क्या देखना चाह रहे हो यार, क्या चाहते हो नेक्स्ट मनी से, चाहते क्या हो यार? इतनी बड़ी चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, इतनी बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, शायद किसी व्यक्ति ने कि पिछले 2.5 साल में इस कंपनी ने क्या कारोबार रचा है। अब दोस्तों मैं आपको लेके जाऊंगा प्ले स्टोर पे, और प्ले स्टोर पे मैं आपको सबसे पहले चेक करवाऊंगा नेक्स्ट मनी जो हमारी एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन की क्या हिस्ट्री और क्या इसका फ्यूचर है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों यहाँ पे डाउनलोड्स 1 मिलियन प्लस, यानी कि लगभग 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख। अब ये 20 लाख पे सीधा 2 मिलियन बोलेगा, लेकिन जो हमने अभी लीडर्स हमारे बता रहे हैं कि 15-16 लाख के आसपास डाउनलोड हो चुके हैं। अब इसकी रेटिंग रिव्यूज चेक करिए दोस्तों, 4.3 रेटिंग है इसकी स्टार, और 20,000 रिव्यूज हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। 4.3 का मतलब हो गया, अगर मैं 100 में से इसको नंबर दूं, 100 में से परसेंटेज वाइज इसको दूं, तो परसेंटेज का मतलब हो गया 86%। मतलब नेक्स्ट मनी एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि 86% मार्क्स लेके आया है। अब ये तो नेक्स्ट मनी की रही, मैं आपको दूसरी भी दिखाता हूँ। ऐसी ऐसी मैं आपको एप्लीकेशन दिखाऊंगा जिनके ऊपर आपने गौर नहीं किया होगा, लेकिन आप चला बहुत समझ रहे हैं। अब आप जरा फेसबुक पे गौर करिएगा, फेसबुक की रेटिंग कितनी है, फेसबुक की रेटिंग चेक करते हैं दोस्तों। फेसबुक की जो रेटिंग आ रही है वो आ रही है 4.2, है ना दोस्तों, अमेजिंग बात। आप सोच के देखिए फेसबुक कितनी बड़ी कंपनी है, कितनी बड़ी कंपनी है। डाउनलोड्स देखिए 5 बिलियन डाउनलोड्स हैं, और उसके केवल 1 मिलियन डाउनलोड्स है। 4.2 फेसबुक की रेटिंग, और 4.3 नेक्स्ट मनी की रेटिंग है, हमारे लिए कितनी बड़े गर्व की बात है। इंस्टाग्राम की देखिए 4.5 रेटिंग है, यानी हमसे 0.2 रेटिंग ज्यादा है इसकी। और आप देखिए दोस्तों मैसेंजर की देखिए, मैसेंजर फेसबुक लाइट 4.2 रेटिंग है। मैं आपको कितनी बड़ी चीज दिखा रहा हूं, क्या आपको ये चीज नजर आ रही है? फेसबुक पेजेस मैनेजर फेसबुक की एप्लीकेशन है, 4.1 रेटिंग है। वर्कप्लेस भी फेसबुक का है, 4.0 रेटिंग है दोस्तों। मैसेंजर किड्स मुझे नहीं पता कौन सा है। अब आप देखिए दोस्तों इतनी धुरंधर, इतनी दिग्गज जो कंपनीज है इनकी रेटिंग भी नेक्स्ट मनी से पीछे चल रही है। अब मैं आपको दिखाता हूं व्हाट्सएप की रेटिंग क्या है। देखिए दोस्तों व्हाट्सएप की 4.3 रेटिंग आ रही है, 4.3 यानी नेक्स्ट मनी की और व्हाट्सएप की रेटिंग बराबर आ रही है। ये आपके लिए बहुत गर्व की बात है, और इन सब चीजों पे हमारा कभी भी ध्यान नहीं जाता। मैं आपको वो रहस्य बता रहा हूँ, वो सीक्रेट बता रहा हूँ जो आपको आज तक नेक्स्ट मनी में किसी लीडर ने कंपेयर करके दिखाया नहीं होगा, इसीलिए हमारा ट्रस्ट नहीं होता। अरे लोग कहते हैं रिचार्ज नहीं हो रहा, सब पैसे फंस गए। अरे भाई सबके साथ होता है वो। मैं पर्सनली जो अपनी कोचिंग चलाता हूँ, मैं ऑनलाइन फीस लेता हूँ। आप सोचो 5,000 रुपये मुझे एक बच्चे ने 15 दिन पहले पे किए हैं, और वो 5,000 रुपये मुझे कल मिले, 15 दिन पहले पे किए हैं, लेकिन वो मेरा उसमें शो कर रहा था लेकिन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो रहा था। रेजर पे को सर्च करना कितनी बड़ी कंपनी है। इतने बड़े बड़े पेमेंट गेटवे दोस्तों सब धुरंधर फेल होते हैं, लॉकडाउन के दौरान सब फेल हो गए। हम नेक्स्ट मनी को दोष देते फिरते हैं, नहीं 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 बिल्कुल नहीं करना ऐसा। नेक्स्ट मनी पे विश्वास करो, और विश्वास नहीं है तो जानो इसको, जानने से विश्वास पैदा होगा। और आप बताइए, आप किसकी, आप कौन सी ऐसी जो वो है एप्लीकेशन है जिसकी आप रेटिंग देखना चाहेंगे? टॉप 10 एप्स देखिए दोस्तों, स्नैपचैट 4.3, और देखिए डोंट टच माय फोन मुझे नहीं पता ये कौन सा है। गूगल अर्थ, गूगल की एप्लीकेशन है दोस्तों, 4.4। तो इसका मतलब दोस्तों 4.3 रेटिंग का मतलब आप समझ रहे हैं, लगभग 100% मान रहा हूं मैं इसको, लगभग 100% मान रहा हूं। आरोग्य सेतु लो, ये तो गवर्नमेंट का ऐप है, ये आरोग्य सेतु गवर्नमेंट का ऐप है, देखो गवर्नमेंट का ऐप है, और 4.4 रेटिंग आ रही है इसकी। और देखो आप एनआईसी ई गवर्नमेंट मोबाइल एप्लीकेशन, कितनी बड़ी बात मैं आपसे कर रहा हूँ दोस्तों। आप हजारों एप्लीकेशन देख सकते हो जो रेटिंग रिव्यूज में नेक्स्ट मनी से बहुत पीछे चल रही है अभी, बहुत पीछे। और आप देखना आने वाले 1-2 साल के अंदर 4.8 4.9 तक इसकी रेटिंग जाएगी, आप देखना, क्योंकि अभी तक तो लोगों ने पैसा कमाया ही कहा है नेक्स्ट मनी से। अभी तो नेक्स्ट मनी से 1,000-2,000 लोगों ने पैसा कमाया है। 1,000-2,000 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पैसा कमाना 50,000 से 1,00,000 से ऊपर की बात कर रहा हूँ। 1,000-2,000 लोगों ने कमाया होगा, 10,000 ने कमाया होगा, लेकिन जब लाखों लोगों के घर में 50,000 से 1,00,000 के बीच में इनकम जा रही होगी, तो सोचो दोस्तों इसकी रेटिंग कहाँ जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि 2-2.5 साल के अंदर नेक्स्ट मनी ने क्या किया है, ये देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो मैंने अभी तक दिखाया इसकी क्वालिटी एप्लीकेशन के, देखो आप रेटिंग रिव्यूज कितने अच्छे हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि नेक्स्ट मनी ने क्या ग्रोथ किया, मैं आपको बाकी की ग्रोथ दिखा रहा हूं। देखिए ये मैंने नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन खोली, और आप थोड़ा सा नीचे आ जाइए, थोड़ा सा नीचे आप जैसे ही आएंगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है शॉपिंग,
जितनी भी आप नेक्स्ट मनी सॉरी जितनी भी गूगल प्ले स्टोर के अंदर दोस्तों एप्लीकेशन है वो सारी की सारी किसी ना किसी कैटेगरी में फॉल करती है, कोई शॉपिंग में है, कोई एजुकेशन में है, कोई टूल्स में है। तो अब मैं शॉपिंग कैटेगरी के अंदर नेक्स्ट मनी आती है तो शॉपिंग कैटेगरी को खोलता हूँ। अब देखो दोस्तों शॉपिंग कैटेगरी में बहुत सारी एप्लीकेशन आपके सामने आ रही है। अब देखिए नीचे आप आ जाइए टॉप चार्ट्स मतलब ये रैंकिंग बताएगा आपको पूरे ग्लोबल जितनी भी एप्लीकेशन इस प्ले स्टोर के अंदर है वो कहाँ पर रैंक कर रही है। आप देखिए ऊपर आ रहा है शो इंस्टॉल्ड एप्स और राइट साइड में देखिए एक बटन है, इसको ऑन ऑफ आपको करना पड़ेगा जिससे क्या आपके मोबाइल में जो एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है उनको भी शो करेगा। तो मैंने इसको ऑन किया, देखिए नंबर वन पे जियो मार्ट ऑफिशियल आ चुका है, नंबर टू पे फ्लिपकार्ट आ चुका है, अमेजोन आ चुका है और ये फिक्स नहीं है दोस्तों, ऊपर नीचे होता रहता है। और देखो जियो मार्ट अभी 3.8 रेटिंग है, मात्र 3.8 और 1 मिलियन प्लस डाउनलोड इसके भी हो चुके हैं। अब आप देखिए दोस्तों और 62,000 रिव्यूज हैं फिर भी 3.8 पे अटक रही है अभी। जियो की एप्लीकेशन है जियो मार्ट, आप इसको हल्के में मत लेना नेक्स्ट मनी के बारे में जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। एक समय ऐसा आएगा आज से 3 साल बाद जो मैं बोल रहा हूँ, 3 साल बाद जो समय आएगा ना आप याद करोगे कि जो आज हो रहा है वो 3 साल पहले सर ने हमें ट्रेनिंग के दौरान बताया था। अब आप देखिए दोस्तों टॉप चार्ट चेक करिए, जियो फ्लिपकार्ट अमेजोन ओएलएक्स एजियो एलआर रिलायंस डिजिटल देखिए शॉपक्लूज ये बड़ी बड़ी सारी की सारी वो दिग्गज एप्लीकेशन आपके सामने है जो करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट में खर्च करती है। करोड़ों रुपए की बात कर रहा हूँ, करोड़ों रुपए खर्च कर रही है करोड़ों। और देखो आप दोस्तों आपकी नेक्स्ट मनी कहाँ है ढूंढो कहाँ गई, 30 नंबर पे आ रही है, 30वें नंबर पे आ रही है, टॉप 30 के अंदर आपकी नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन आ चुकी है 1 रुपया एडवर्टाइजमेंट में खर्च किए बिना। 1 रुपया सिंगल रुपया नेक्स्ट मनी ने आज तक विज्ञापन पे खर्च नहीं किए फिर भी शॉपिंग कैटेगरी के अंदर टॉप 30 के अंदर ये एप्लीकेशन आ गई है। आप 1 साल के अंदर इसको टॉप 5 के अंदर मानना दोस्तों, और टॉप 5 के अंदर आने का मतलब हजारों करोड़ की कंपनी बनेगी, हजारों करोड़ की। लेकिन आपको इससे क्या, मैं बताता हूँ, हजारों करोड़ रुपए आज तक पेटीएम ने भी कमाया, हजारों करोड़ रुपए आज तक अमेजोन ने भी कमाया, हजारों करोड़ रुपए आज तक गूगल ने भी कमाया, हजारों करोड़ रुपए आज तक टाटा ने भी कमाया, बाटा ने भी कमाया, अंबानी ने भी कमाया, लेकिन आपके घर में कितने रुपए आ गए, 1 भी नहीं। ये अंतर है नेक्स्ट मनी में और बाकी एप्लीकेशन बाकी कंपनीज के अंदर। नेक्स्ट मनी अपने प्रॉफिट का 80-90% 80-90% आपको बांटती है, यानी कि अगर इस कंपनी ने 1,000 करोड़ रुपए कमाए तो दोस्तों 800-900 करोड़ रुपए आप लोगों की जेब के अंदर देती है नेक्स्ट मनी। ये अंतर है बाकी कंपनीज में और इस कंपनी के अंदर। और जो मैं आपको बता रहा हूँ 80-90% इस बात को नोट कर लेना आप, 80-90% पैसा कोई कंपनी अगर बांट देती है अपने प्रॉफिट का, प्रॉफिट की बात कर रहा हूं मैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ी। तो 1,000 करोड़ की जब ये कंपनी बनेगी तो 800-900 करोड़ रुपए आपके हमारे जेब के अंदर आने वाला है। ये अंतर है दोस्तों इस कंपनी में और बाकी कंपनीज में। टॉप 30 के अंदर ये एप्लीकेशन रैंक कर रही है दोस्तों। आप देखते हैं इस 30 के बाद कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, क्या इसके बाद भी कोई दिग्गज कंपनी आ रही है। देखिए वाओ, ये बाय वाओ, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों। और आप देखते चलिए क्विकर 36 नंबर पे आ रही है, करोड़ों रुपए खर्च करती है क्विकर, तब जाके 36 पे रैंक करा पाई अपने आप को करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद में। और देखिए दोस्तों कैश करो भी अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है, डील शेयर। और देखिए दोस्तों चलिए नीचे चलते हैं, हम ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में हम जानते हैं, क्लब फैक्ट्री होलसेल शॉपिंग। क्लब फैक्ट्री नाम सुना होगा आपने दोस्तों, बहुत बड़ी कंपनी है, करोड़ रुपए खर्च किया है विज्ञापन दे दे के। और देखिए दोस्तों कूल विंग्स कितनी बड़ी कंपनी है दोस्तों, आई ग्लासेस की करोड़ रुपए खर्च कर रही है, कूब्स करोड़ रुपए खर्च कर रही है एडवर्टाइजमेंट में, तब जाके 54 नंबर पे आ पाई है, 54 नंबर पे। और देखिए ब्रांड फैक्ट्री, आप इनको क्या समझ रहे हैं, अपने आप में दिग्गज कंपनी है। और तो और टाटा क्लिक 4.3 रेटिंग है, टाटा की कंपनी है, टाटा कितनी बड़ी कंपनी है फिर भी दोस्तों 4.3 रेटिंग है और 59 नंबर पे आ रही है अभी तक। और आप देखिए दोस्तों वीमार्ट 2.9 स्टार, देखिए दोस्तों 2.9 है मात्र इसकी रेटिंग और 65 नंबर पर रैंक कर रही है अभी। अब आप दोस्तों देखते चलिए कितनी सारी कंपनीज है, ईवे 73 नंबर पे आ रही है, करोड़ों रुपए खर्च किए 73 पे आने के लिए करोड़ों। बिग बास्केट डेली 78 नंबर पे आ रही है, करोड़ों रुपए तो इससे शाहरुख खान कमा लेता है, तब जाके 78 नंबर पे आ रही है ये। तो दोस्तों अब इससे आपको जागने की जरूरत है, डीटीडीसी कितनी बड़ी कंपनी है यार, फिर भी देखो आप 86 नंबर पे आ रही है। मैं आपको क्या दिखाऊं दोस्तों, ओरिफ्लेम नेटवर्क मार्केटिंग की इतनी पुरानी कंपनी है, ओरिफ्लेम जरा इसकी कुंडली में जाते हैं, 3.7 स्टार रेटिंग आ रही है। अब आप सोच के देखिए दोस्तों शर्म की बात है, इतनी बड़ी कंपनी है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर होने के बावजूद भी 3.7 स्टार आ रही है इसकी। अब आप देखिए दोस्तों इसकी अबाउट दिस एप्लीकेशन में जाइए आप,
अबाउट दिस ऐप, आप जाइए अबाउट दिस ऐप में और देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या निकल के आता है। 30 जून 2016 को रिलीज किया गया, 30 जून 2016 को, और तब जाके ये 3.7 पे पहुंची है, 3.7 स्टार रेटिंग पे आई है। और रैंकिंग कहाँ कर रही है, अब आप देखो रैंकिंग कर रही है 89, लगभग 90। और इस इनके लिए ये भी बहुत गर्व की बात है, ये अपनी कंपनी को ये कहकर प्रमोट करते होंगे कि दोस्तों हम टॉप 100 में आ गए, ये कहकर इस कंपनी को प्रमोट कर रहे होंगे। अब दोस्तों मुझे आप ये सोच के बताना, टॉप 30 के अंदर क्या नेक्स्ट मनी के अलावा कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आपने देखी? कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एप्लीकेशन जो कि टॉप 30 के अंदर हो, मुझे सोच के बताइए दोस्तों। इतनी बड़ी बड़ी देखिए क्लोविया, ये पेटीएम मॉल, आप देखो दोस्तों 3.5 स्टार रेटिंग, 101 मतलब 100 से नीचे खिसक गई पेटीएम मॉल। अब आप क्या देखना चाह रहे हो यार, क्या चाहते हो नेक्स्ट मनी से, चाहते क्या हो यार? इतनी बड़ी चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, इतनी बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, शायद किसी व्यक्ति ने आज तक ये आपको गौर नहीं किया होगा, शायद किसी व्यक्ति ने आपको ये बता नहीं हो दोस्तों। अब आप इसको चेक करोगे ना दोस्तों, ये लिस्ट नीचे तक खुलती चली जाएगी और आप इस कंपनी इस नीचे जाके 150 फ्यूचर पे, बिग बाजार का ब्रांड है फ्यूचर, 135 नंबर पे आ रही है दोस्तों। कितने बड़े होम शॉप, अरे यार इसको कौन नहीं जानता, होम शॉप मोबाइल एप्लीकेशन कौन नहीं जानता इसको, 3.6 रेटिंग आ रही है दोस्तों, 141 नंबर पे आ रहे, खुद का चैनल चलता है इनका, खुद का चैनल, फिर भी देखो 141 नंबर पे आ रही है दोस्तों। कितनी बेहतरीन से बेहतरीन कंपनी, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी जहां पे देखो दोस्तों सबको पछाड़ते हुए नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन ग्रो करती है दोस्तों, कहां पहुंच चुकी है। अब ये आपके और हमारे लिए सोचने की बात है, क्या हम ये इसका फायदा उठा पा रहे हैं दोस्तों। माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, 184 पे है। ये वो कंपनी है जिसके साथ में हमने आज से 8-9 साल पहले अपने करियर में काम किया था दोस्तों। ये भी एक अच्छी कंपनी इसके अंदर फॉल करती है, मैं ये नहीं कहता कंपनी बुरी है, लेकिन आप सोच के देखिए दोस्तों कहां पड़ी है ये एप्लीकेशन, 184 नंबर पे आ रही है, 184 नंबर पे इनकी एप्लीकेशन कहां है और आपकी एप्लीकेशन कहां है, अब आप सोच के देखिए दोस्तों। मैं आपको बोलते हूं, मैं बहुत गर्व से इस बात को बोल रहा हूं कि आज जरूर आप टॉप 30 एप्लीकेशन को चेक करिए, क्या इसके अंदर कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की एप्लीकेशन आपको दिख रही है? कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की एप्लीकेशन आपको दिख रही है? ठीक से देखिए दोस्तों, एक भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की एप्लीकेशन इसके अंदर नहीं है दोस्तों। तो इसका सीधा सा मतलब एक ही है, शॉपिंग कैटेगरी में 30 नंबर पर रैंक कर रही है नेक्स्ट मनी, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों गूगल प्ले स्टोर के शॉपिंग कैटेगरी में नेटवर्क मार्केटिंग पूरी इंडस्ट्री के अंदर टॉप पे रैंक कर रही है, टॉप पे। अपने आप में कितनी बड़ी बात है दोस्तों, मात्र 2.5 साल के अंदर और 15 लाख यूजर्स के साथ में, जब 1 करोड़ यूजर इस साल के अंत तक इस कंपनी के अंदर हो जाएंगे, तो कैन यू इमेजिन कि आपके घर में कितना पैसा आ रहा होगा, कितना पैसा आ रहा होगा यार? आपके पास खर्च करने की प्लानिंग नहीं होगी, खर्च नहीं कर पाओगे, इतना पैसा आ रहा होगा पागल हो जाओगे उस पैसे को संभालते। आप इधर से खर्च नहीं हो पाएगा और उधर से धड़ाक फिर पैसा आ जाएगा। आज आप पैसा खर्च नहीं कर पाओगे, कल आपके अकाउंट में पैसा, कल खर्च नहीं कर पाओगे, परसों आपके अकाउंट में पैसा, इतना पैसा आपकी जेब में आने वाला है, इतना पैसा आपकी जेब में आने वाला है कि ये मान लो कि स्वयं कुबेर आपके घर में आके बैठने वाले हैं दोस्तों। बस मेहनत करो, सॉरी मैंने फिर रॉन्ग वर्ड यूज किया, मैनेजमेंट करो, अपना मैनेजमेंट सही करो दोस्तों। ये जिम्मेदारी मेरी अकेले की नहीं है दोस्तों। मुझे पता नहीं है क्यों नहीं दिख रहा, आप लोग वो चीज क्यों नहीं देख पा रहे जो मैं देख पा रहा हूं आज। ये जिम्मेदारी आपको खुद लेनी है। पैसा वही कमाएगा दोस्तों जो जिम्मेदारी से अपनी टीम की ट्रेनिंग लेगा, जो जिम्मेदारी से ग्रुप में मैसेज शेयर करेगा, जो जिम्मेदारी से प्लान दिखाएगा, जो जिम्मेदारी से लोगों को नए वेबिनार के अंदर बिठाएगा, नए लोगों को बिठाएगा, फॉलोअप करेगा, फॉलोअप करवाएगा, अपलाइन के संपर्क में रहेगा, वही पैसा कमाएगा। इस बात को लिख लेना दोस्तों, क्योंकि जैसा शेखर जी कहते हैं, कुछ लोग पैसा कमाने के लिए आए हैं और ज्यादातर लोग आपको पैसा कमवाने के लिए आए हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है, आप नेक्स्ट मनी के अंदर, आप मेरी टीम के अंदर, आप अचीवर्स ग्रुप के अंदर पैसा कमाने के लिए आए हैं या लोगों को पैसा सिर्फ कमवाने के लिए आए हैं, चॉइस इज योर्स। और इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अब दोस्तों समय है आप सभी का, जैसा कि मैं आपको हर हमेशा कहता हूं, इस ट्रेनिंग के लास्ट में समय होता है दोस्तों आप लोगों का। अब मैं आप लोगों के हैंड ओवर करता हूं, अब आपका जो आदेश है वो मैं पालन करने वाला हूं मेरी इस ट्रेनिंग में बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच, ओवर टू यू ऑल।